अल्लाह फरमाया हम बनाएं फिर सजाएं, तो फिर अपनी रूह फूंकें, व नफ़ख़्तु फ़ीहि मिन रूही, हम आदम में अपनी रूह, अपनी हमारी किसमें, क्या किसकी अपनी किसकी, अच्छा अल्लाह की रूह, शिरक तो नहीं हुआ। मुझे फिर सुनाओ कुरान, फिर सुनाओ, क्या रूह किसकी, अच्छा किसमें, अच्छा जिस्म किसका, अच्छा रूह किसकी, क्या बात है, सुन्नी कुरान पढ़ दे जे पे, फिर समझाया जे मैनू, फिर समझाया जी, जिस्म किसका, अच्छा उसमें रूह किसकी, शिरक तो नहीं हुआ। तो अगर जिस्म आदम का हो उसमें रूह अल्लाह की हो, शिरक नहीं होता। तो अगर जिस्म मोहम्मद का हो उसमें नूर अल्लाह का हो, क्यों बंदे परेशान कर रहे हैं, किस बात की लड़ाई है, वह शिरक नहीं होता। अब आगे सुनो मौला, फिर लो जी थोड़ा आगे चलिए मौला, फिर अल्लाह फरमाए जैसे ही हमारी रूह अंदर गई, फसजद अल मलाइकतु कुल्लुहुम अजमाउन, हमने कहा झुक जाओ, सारे झुक गए, सारे झुक गए, सारे झुक गए, नहीं सारे नहीं, एक रह गया सी, इधरों वाह भाई जी एक रह गया सी, मौला ये कौन है, फरमाए इल्ला इबलीस, मगर इबलीस, मौला इनू की होया, फरमाया पूछ लेने इनू की है। जनाब मैं अर्ज पिया करना, ये देखें आगे अल्लाह ने पूछा है, द फर्स्ट वाज वन टू मैनी कम्युनिकेशन, जो पहले है वो अल्लाह सब से मुखातिब थे, ये दिस इज वन टू वन कम्युनिकेशन, अब सब से नहीं, अब सिर्फ इबलीस से। अल्लाह फरमाए पूछ लेने हैं, काला या इबलीस, ओए इबलीस, या इबलीस, या इबलीस, हाँ या इबलीस, या इबलीस हो, या इबलीस हो, या इबलीस हो, या इबलीस हो, रावल पिंडी वाले हो या इबलीस हो, पिंडी वाले हो अगुरड़ा वाले हो, कुरान च है जे या इबलीस हो, या इबलीस हो, अच्छा जे कुरान च या इबलीस हो है, अच्छा एक मिनट खलो जाओ, जरा खलो जाओ, ये आयत है, आयत है ना, आयत है, अगर ये आयत मुझे तरावियों में पढ़नी पड़ गई तो क्या पढ़ूंगा, या इबलीस हो, यही आयत सियालकोट जुमे में पढ़नी पड़ गई, या इबलीस हो, अच्छा यही आयत मुझे पिशावर में अगर पढ़नी पड़ गई, या इबलीस हो, यही आयत अगर न्यू मरी में 22 तारीख को पढ़नी पड़ गई, या इबलीस हो, यही आयत ये इस्लामाबाद G10 में अगर 14 तारीख को पढ़नी पड़ गई, या इबलीस हो, अच्छा यही आयत सादकाबाद जाके पढ़नी पड़ गई, या इबलीस हो, अच्छा मेरा मुल्क के बाहर भी चक्कर लगते हैं, अगर यही आयत मुझे दुबई पढ़नी पड़ गई, एदा मतलब है ए पलीत होके इतने भी आए, उथे 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 भी आए, हद नहीं हो गई, ए पलीत होके आए मुहम्मद ते पाके, बोलो ना जिसे समझ आ रही है, यार ऐसे ना करो जिसे कुरान समझ आ रहा है, सीने का जोर लगा के कहो सुभान अल्लाह, अल्लाह फरमाए काला या इबलीस हो, ओए इबलीस, मामन कंत तस्जुदा लिमा खलक्तु बियदैया, ओए केड़ी शय ने तेनु मना कीता उसे सजदा करने से जिसे मैं अपने दोनों हाथों से बना रहा हूं। लो ये मैंने उर्दू में तर्जमा कर दिया, हुन मैं पंजाबी तर्जमा करने लगा जे, अल्लाह फरमाए काला या इबलीस, मामन कंत तस्जुदा लिमा खलक्तु बियदैया, ओ तेनु की होए, ओ जी तो सारे झुक गए ने, तेनु की है, अजे भी चुप बैठे हो, ओ जी तो सारे जो चुक गए ने, तेनू की है, अच्छा लो हुन मैं अर्ज करा इनू की है, इन्हें दस्या इन्हें क्या मौला मैनू पता की है, काला अना खैरुम मिनहू, आओ जड़ा बनाया ही ना, मैं ओदे नालों बेहतर हाँ, ऐ जे शैतान, नहीं समझ आई, मैं अभी भी नहीं समझा सका, एदा मतलब है अपने आप नू दूसरिया नालों बेहतर समझना ही ते शैतान है, नहीं अभी भी बात की समझ नहीं आई, मैं दोबारा समझाता हूं मेरे बच्चों, ओए नौजवानों जो कुरान सुनने आए हो, अपने आप को जो दूसरों से बेहतर अंदर ही अंदर समझता रहे वो शैतान है, और जो कहे ना काले मेंढे कपड़े ते काला मेंढा पेश, गुनाही परया मैं फिरा ते लोग कहन दरवेश, ए फरीद है, ये बाबा फरीद है, ओए जो
कहे ना मैं दूसरों से बेहतर हूं वो शैतान है, और जो कहे उठ फरीदा सुतिया ते मेला वेखन जा, जे कोई मिल जाए बख्शिया तू भी बख्शिया जाए फरीदे। लो जी थोड़ा आगे चलते हैं। फ़ाइज़ा सव्वैतुहु, फिर हम उसे सजाएं। वनफ़ख्तु फ़ीही मिन रूही, फिर हम उसमें अपनी रूह फूंकेंगे। इबलीस नहीं झुका, काला या इबलीसु मा मन्नक अन तस्जुद लिमा खलक्तु बियदिय्या, तुम्हें क्या है? इसने कहा अना खैरु मिन्हु। अच्छा एक मिनट रुकना रुकना, इसने अपने बेहतर होने की दलील दी। इसने कहा देख खलक्तनी मिनन नारिन, मिनू अग दा बनाया ही, वह खलक्तहु मिन तीन, उन्होंने मिट्टी का बनाया ही, मैं अग वो मिट्टी। आ है वैसे गल ठीक है, अग नहीं चुकती, अग नहीं चुकती, अग नहीं चुकती जनाब। ते घर जाके कोशिश ना करे जी, हाथ साड़ बवोगे अग नहीं चुकती। मैं फिर प्यार करना वो ना वे घर जाके ट्राई शुरू हो जाए, बाल के तीली तेंज करके चुक जा नहीं नहीं अग नहीं चुक। अच्छा तीली चुकी है, तीली चुकी है, लकड़ी है मिट्टी विचो आई है, तीली चुक गई है, इहदा मतलब है आग नहीं झुकेगी। अच्छा मिट्टी जितनी मर्जी पकड़ पकड़ के यूं ऊपर फेंको, इहदा मतलब है जिहड़ा आकड़ गया है शैतान दी औलाद है, जिहड़ा चुक गया आदम दा पुत्र है। बोलो जिसे समझ आ रही है और जिसे कुरान की समझ आ रही है सुभान अल्लाह कहो जल्दी से। अच्छा हुण यार थोड़ा आगे चलते हैं, बात तो फैल रही है, तकरीर तो लंबी हो रही है, मैं मुख्तसर करना चाहता हूँ, 40 मिनट से ऊपर मैं जाना नहीं चाह रहा। इन्हें जो किया ना मैं आगा ए मिट्टी ए, लो हुण मैं पूरी जिम्मेदारी नाल 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 पूरी जिम्मेदारी हुण ए दी ओ नस्ल तो दूरी मैं जिम्मेदारी ने तर्जमा किया है। अब जे कुछ सुनी बैठा सुभान अल्लाह के आ जे ए पीर करम शाह साहब का तर्जमा है, नहीं खोले ना बस ठीक है, ये मेरे सामने पढ़ा है, आपने तर्जमा किया फखरुज निकल जा, किसे तर्जमा किया है दफा हो जा, खारिज हो जा, चला जा, गेट आउट, चल निकल। उन पिंडी के बंदे गोलड़े के बंदे मेरा मुंह पे बिंद ने एडा भी गुस्सा की हुआ नहीं तो यह जो दफा हो प्यार चाहिए। अच्छा प्यार नहीं करो दफा हो जाओ जी जनाब, दफा हो इंजी कहीदा, चल दफा हो, चल निकल जा दफा। अल्लाह फरमाए फखरुज दफा। मैं दो हाथ जोड़ के पूछना, अल्लाह फरिश्तियां का उस्ताद है ते फरिश्तियां नूं पढ़ांदा है, तू भी फरमाना है दफा हो, तो फरमाए मैं की करना है, आदम नबी आंदे ने पे शैतान दा की काम है। अच्छा इहदा मतलब है पिंडी आ लियो उलमा दे कदम ते हाथ रख के मैं अर्ज करना, जिथे आदम आंदे होन आदम आंदे ने पे भाई आदम नबी आंदे ने पे, हुण मैं इंज कह लवां कि आदम नबी दा मिलाद हुंदा है पिया, हां जी आदम नबी दा मिलाद हुंदा है पिया, इहदा मतलब है जिथे आदम दा मिलाद होवे शैतान दा उत्थे कोई काम नहीं, जिथे आदम दा मिलाद होवे शैतान दा उत्थे कोई काम नहीं, ते जिथे आदम दे मुर्शिद मुहम्मद दा मिलाद होवे अल्लाह ने दबाओ कट आउट निकल जा। अच्छा अगे सुनिया जी, अच्छा अगे सुनिया जी, निकल जा फइन्ना का रजीम, तू तो रजीम है, वइन्ना अलैक लानती, चलो लानती। अल्लाह फरमा रहे हैं, अल्लाह कह रहे हैं तेरे ते मेरी लानत है। और नहीं समझ आई है पिंडी वाले, मैं यही समझिया सी कि साडा अल्लाह सिर्फ दरूद भेजदा है, साडा अल्लाह सिर्फ दरूद भेजदा है, ये आयत पढ़ के समझ आती है भाई यार ते दरूद भी आप ही कर दे, ते यार ते दुश्मन ते लानत भी आप ही कर दे। इजाजत तो मैं आगे पढ़ा,
आखिरी दो आयते लो और मुझे इजाजत दे दो, बस दो आयते और लो। अल्लाह फरमाए निकल जा रजीम, चलो रजीम, लानती चलो लानती। अच्छा जब ये दो ताओ किसके गले में पड़ गए, लानती रजीम, बिला फासला शैतान कहता है काला रब्बी ए मेरे रब, मौला तेनू ते मनदा ही विया। अगली आयत है मौला तेनू मनदा ही विया, फरमाया तां भी लानती नहीं लानती, मैनू जवाब दियो नहीं लानती, लानती है ना, मौला तेनू मनदा ए पिया, फरमाया तां ही रजीम है, मौला तेनू ते मनदा ए पिया, ओ फरमाया तां ही ते लानती है, सिर्फ मैनू ही मनदा ए पिया। हाय 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 हाय, इस तो पहले कदों लानती सी, इत चंगा बोला सी, ए लानती उदन होया जिदन मैनू मनदा सी ते जिनू मनवाना चाहना ओनू नहीं सी मनदा। जैसे समझ आ रही है सुभान अल्लाह कह लो जी, बस जी तकरीर खत्म हो गई, बस आखिरी लफ्ज ले लो, निकल जा लानती रजीम। उन इन्हें आखिया काला रब्बी ए मेरे रब, फानजिरनी, चल एक मेहरबानी कर, अल्लाह फरमाया गल कर, फानजिरनी इला यौम युबासून, मिनू जिंदगी दे माशर तक, कदों तक सब कौन इत कला सी, सब तो है ही नहीं। खोलो जो हजरत की गल ले लें, आप तालबे इलम ने, मेरे शागिर्द ने, बड़ी अच्छी शख्सियत ने, इन्हों की गल ले लें, इन्हें कहा जी सब जिंदा करेगा कितों जी, कबर बंदे होंगे कबर जेडे माशर उठे हैं, इंजी है ना, थोड़ा थोड़ा मेरे बोलो ना, ये जो अल्लाह आदम बनाए ने, आदम किन्ने कु सन, एक ते शैतान, बोलते क्यों नहीं, हूं चौखे हो गए ना, उदो एक ही सी, बेफिक्र रहा करो तुसी, मैं बैठा हूं ना, गल करो मेरे, शैतान एक ते आदम हवा है सन, नहीं अजे हवा नहीं आई, अजे जन्नत च नहीं गए, अजे दाना नहीं खादा, फकुल नहबितु मिन्हा जमीअन फइम्मा यअतीअन्नकुम मिन्नी हुदन फमन तबिया हुदाया फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, अजे जमीन से नहीं आए, अजे नस्ल थक गए तो छड़ देना, नहीं जे थक गए तो छड़ देने, ते जे आखिरी दफा सुनने ने सीने ते जोर लाओ हज़रा। अच्छा इन्हें क्या मेरी जिंदगी दे ना, माशर तक दे, माशर तक दे, अजे हवा कोई नहीं, अजे दाना कोई नहीं, अजे जन्नत च नहीं गए, अजे जमीन से नहीं उतरे, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, अजे मौत और जिंदगी नहीं है, कई फतक फुरना बिल्लाहि वकुंतुम अमवातन फहयाकुम सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युहयीकुम सुम्मा इलैहि तुरजऊन, अजे बंदे कब्रां च नहीं गए, अजे बंदे आए कोई नहीं, अजे जमीन ते उतरे कोई नहीं, अजे नसल टुरी कोई नहीं, अजे बंदे आए कोई नहीं, अजे कबीले बने कोई नहीं, अजे मौत हयात का सिलसिला शुरू नहीं होया, अजे कबरां बनिया कोई नहीं, बंदे कबरां च गए कोई नहीं, इनू किने दसिया, बंदे आने ने जमीन ते जाने ने, नसल टुरनिया ने, माशर आना है, मैदान सजना है, मुहम्मद आने ने, जिसे समझ आ रही है वो मेरे साथ बात करो, अगर थक गए तो मैं छोड़ देता हूं, एदा मतलब है मैं एक और जुमला देना, ए आने वाली कल दा अगर पलीत नू पता है ते जेड़ा फरीद है। चलो जी तकरीर खत्म हो गई, बस आखिरी जुमला, इसके मेहरबानी कर जिंदगी दे, सुभान अल्लाह, की दे जिंदगी दे ते दे माशर तक वदा मेरी जिंदगी। अल्लाह फरमाया काला 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 फइन्नक मिनल मुनज़रीन, चल जा दी थी, बस
ਅਸੀਂ ਕੁਰਾਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਆ ਮੈਨੇ ਇਹਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਜੀ ਵਧਾ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾ ਜਾ ਵਧਾ ਛੱਡੀ ਅੱਛਾ ਪਲੀਤ ਕਵੇ ਵਧਾ ਤੇ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ ਪਿਆ ਕੈਸੇ ਅਗਲਾ ਜੁਮਲਾ ਦੇਵਾਂਗਾ ਪਿੰਡੀ ਵਾਲਿਓ ਅਗਰ ਪਲੀਤ ਕਵੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਧਾ ਤੇ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ ਪਿਆ ਤੇ ਜੇ ਮੁਹੰਮਦ ਹੱਥ ਚੁੱਕ ਲੈ ਓਏ ਕੋਈ ਉਹ ਮਿਸ ਦੀ ਨਾ ਜਾਨੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਚਲਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰਤ 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 ਨਹੀਂ ਨਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਗੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਉਹ ਮਿਸ ਦੀ ਨਾ ਜਾਨੀ ਦੀ ਤੇ ਕਸਮਾ ਰੱਬ ਚਾਵੇ ਜਿਹਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਚਲਾ ਲੈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਲੈ ਅਸ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਕਹਿ ਲੋ ਜਲਦੀ ਸੇ ਓਏ ਕੋਈ ਉਹ ਮਿਸ ਦੀ ਨਾ ਢੋਲਨ ਦੀ ਸ਼ੁਕਰ ਮਿਹਰੇ ਅਲੀ ਇੱਥੇ ਜਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਨ ਦੀ ਹੱਥ ਗੋਰੇ ਗੋਰੇ ਨੇ ਹੱਥ ਗੋਰੇ ਗੋਰੇ ਨੇ ਹਾਂ ਤਵਾਲਾ ਸੁਰਮਾਈ ਮਾਜ਼ਾਬ ਦੇ ਡੋਰੇ ਤੇ ਗੱਲ ਮੋਤੀਆਂ ਦੀ ਕਰਨੀਆਂ ਸਾਰੇ ਨਬੀਆਂ